नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मौर्य। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के 20 शॉर्टकट की जो आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप पर काम करते हैं तो आपको ये 20 शॉर्टकट की हमेशा याद रखना है। दोस्तों, अगर आप ये 20 शॉर्टकट की याद रखते हैं तो फोटोशॉप में आप कोई भी फ़ोटो बनाएंगे तो जल्दी बना लेंगे, आपका समय बचेगा। दूसरा दोस्तों, आप फोटोशॉप में कोई भी फ़ोटो बनाएंगे तो ये जो 20 शॉर्टकट की हैं, अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो इन 20 शॉर्टकट की मदद से आप कोई भी फ़ोटो बना पाएंगे। कोई भी फ़ोटो बनाएंगे, हर फोटो पे आपको इन्हीं 20 शॉर्टकट की को अप्लाई करना है और आपका फ़ोटो बन के तैयार हो जाएगा। वैसे दोस्तों, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं, लेकिन दोस्तों जो मैं आपको 20 शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आपको हर फोटो पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये जो फोटोशॉप का शॉर्टकट की मैं आपको 20 बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं, तो हमेशा आप इन्हें याद रखें, इससे आपका टाइम बचेगा और हर फोटो पर ये अप्लाई होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो 20 शॉर्टकट की कौन से हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। दोस्तों, कंट्रोल एन से फोटोशॉप में एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको साइज सेलेक्ट करना होता है फ़ोटो का। दोस्तों, अगर आप कोई भी फ़ोटो बनाते हैं तो उसे आपको एक साइज में प्रिंट करना होता है, एक पेज लेना होता है और उसकी एक साइज होती है, जैसे 4/6, 5/7, PC, 6/8, 8/12, जो भी आप साइज लेंगे आप कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। पहले से ही कुछ डिफ़ॉल्ट पेज दिए होते हैं यहाँ पर आपको पहले से ही, और अगर आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे ही आप 4/6 या 5/7 कुछ भी सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो दोस्तों आपका वो पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो को पेस्ट करना है, उसी साइज में आपका फ़ोटो प्रिंट होगा। तो कंट्रोल एन पहला शॉर्टकट की है हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो दूसरा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एम। दोस्तों, कंट्रोल एम का यूज तब होता है अगर आप कोई भी फ़ोटो फिनिश कर रहे हैं, उसका जो फ़ोटो है उसकी जो लाइट है कम है, तो ऐसे में लाइट बढ़ाने के लिए फ़ोटो पर कंट्रोल एम का यूज होता है। कंट्रोल एम करेंगे, इसके बाद आप लाइट बढ़ा सकते हैं उस फोटो का। दोस्तों, जो तीसरा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आल्ट जेड। अब दोस्तों, कंट्रोल आल्ट जेड का यूज कब होता है, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं फ़ोटो में, जैसे फिनिशिंग करना, फ़ोटो को कट करना, कोई भी काम करते हैं तो ऐसे में आपसे गलती हो जाती है। अब दोस्तों, उस गलती को सुधारने के लिए आपको कंट्रोल आल्ट और जेड प्रेस करना होता है एक साथ कीबोर्ड का। इससे दोस्तों ये होता है, जैसे ही आप एक बार कंट्रोल आल्ट और जेड प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, एक स्टेप बैक हो जाएगा, जो भी गलती होगी एक स्टेप बैक हो जाएगा। इसी तरह आप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे बैक होता चला जाएगा। अब दोस्तों, आप इसे लगभग 10 से 15 बार यूज कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों ये बैक नहीं होता है, या फिर कह लीजिए काम नहीं करता है। इसलिए आप ज़्यादा गलती ना करें, अगर आप 10 स्टेप तक गलती कर चुके हैं तो ऐसे में आप बैक आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, कंट्रोल आल्ट जेड। ये दोस्तों, गलती अगर आपसे होती है तो ये बैक हो जाता है इस शॉर्टकट की द्वारा। दोस्तों, चौथा जो शॉर्टकट की है वो कीबोर्ड का केवल सी बटन है। दोस्तों, सी से क्या होता है, आपका जो टूल है वो क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाता है। कोई भी आपको फ़ोटो बनाना है तो दोस्तों हमेशा आपको एक साइज लगाना होता है, तो ऐसे में आप कीबोर्ड का सी बटन दबाएंगे तो क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा और आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर पाएंगे। दोस्तों, जो पांचवा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एल। अब दोस्तों, कंट्रोल एल से क्या होता है, अगर आप कोई भी फ़ोटो फिनिश कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड का कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो का जो लेवल है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। इसमें दोस्तों बस लाइट ही जानिए कि बढ़ता है, लेवल होता है बैकग्राउंड का और जो भी व्यक्ति है फ़ोटो में उसका, आप पूरे की पूरी जो फ़ोटो है उसका पूरा का पूरा आप लेवल बढ़ा सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल एल की मदद से।
दोस्तों जो छठवें नंबर पे शॉर्टकट की है वो है वी। कीबोर्ड का आप केवल वी बटन दबाएंगे तो आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल का उपयोग कब होता है मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी फोटो किसी दूसरे पेज पे ले जाना होता है, मूव करना होता है, तो ऐसे में आप वी बटन दबाएंगे कीबोर्ड का तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा और उस फोटो को, जिस फोटो को आपको दूसरे पेज पे ले जाना है, उस पर आप क्लिक कीजिए फोटो पर और उसे घसीट कर माउस की मदद से आप दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं होता, इसलिए मूव टूल का उपयोग किया जाता है। मूव टूल आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब ढेर सारे लेयर पे काम करते हैं तब आपका दोस्तों उपयोग होता है मूव टूल। आप कभी भी कोई भी लेयर का, जो भी लेयर आपने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, उस कोई भी लेयर आपको ले जाना है दूसरे पेज पे, तो आप मूव टूल सेलेक्ट करके कोई भी लेयर को किसी दूसरे फोटो पे या दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं। दोस्तों सातवां जो शॉर्टकट की है वो है पी। जैसे ही कीबोर्ड का आप पी बटन दबाएंगे तो दोस्तों आपका जो टूल है वो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। पेन टूल दोस्तों आता है फोटोशॉप को में दोस्तों फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए। कोई भी फ़ोटो है, अगर आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पेन टूल का उपयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड का पी बटन दबाएंगे, इसके बाद दोस्तों पेन टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आप उस फोटो को कट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पर सेट कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप पर नए हैं तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टूल है मूव पेन टूल, आप इससे हमेशा यूज कीजिए शुरू में, इसके बाद आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। दोस्तों आठवां जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों टी। जैसे ही कीबोर्ड का आप टी बटन दबाएंगे आपके फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों टेक्स्ट टूल कब काम आता है, जब आप फोटो पर कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे नेम, डेट, जो भी आपको फोटो पर लिखना होता है टेक्स्ट, तब आपका टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में कीबोर्ड का आप टी बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कहीं पर फोटो पर क्लिक कीजिए और अपना टेक्स्ट, अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर जन्मतिथि या फिर दोस्तों कोई भी नाम दे सकते हैं फोटो पर, जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं। दोस्तों जो नौवां शॉर्टकट की है वो है एल। दोस्तों कीबोर्ड का जैसे ही आप एल बटन दबाएंगे आपके फोटोशॉप में लोसो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लोसो टूल से आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी मदद से आप फोटो को क्रॉप करेंगे, कट करेंगे, इसके बाद आप रिमूव कर सकते हैं उस बैकग्राउंड को और वहां नया दोस्तों बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों लोसो टूल अगर आप नए हैं फोटोशॉप में तो मत यूज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी जल्दी जल्दी कट करना होता है, तो ऐसे में जब आपके हाथ से माउथ काफ़ी अच्छा चलने लगे तब आप लोसो टूल का यूज कर सकते हैं किसी भी फोटो को कट करने के लिए। दोस्तों जो दसवां शॉर्टकट की है फोटोशॉप में वो है दोस्तों डब्लू। जैसे ही आप कीबोर्ड का डब्लू बटन दबाएंगे आपका जो टूल है फोटोशॉप में वो मैजिक वन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका यूज हम बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है सिंपल बैकग्राउंड पे होता है। अगर कोई भी फोटो आप बना रहे हैं वो उसका जो बैकग्राउंड है एक कलर में है, तो ऐसे आप कीबोर्ड का डब्लू बटन दबाएंगे तो मैजिक वन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आप बैकग्राउंड पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड हो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप उस फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप इसे ऑटो दोस्तों सिलेक्शन टूल भी बोल सकते हैं बैकग्राउंड का। आप एक ही क्लिक के अंदर आपका जो बैकग्राउंड है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, अगर एक ही कलर में आपका जो बैकग्राउंड है तो। दोस्तों जो ग्यारहवां दोस्तों शॉर्टकट की है वो है बी। जैसे ही आप कीबोर्ड का बी बटन दबाएंगे आपके फोटोशॉप के अंदर जो टूल है वो ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका यूज हम करते हैं फिनिशिंग के लिए, फेस की फिनिशिंग है, पैर, हाथ, कहीं पर फिनिश करना है तो दोस्तों हम ब्रश टूल यूज करते हैं। तो ऐसे में आप कीबोर्ड का आप भी बटन दबाएंगे तो ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा और फिनिशिंग करते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो बारहवां शॉर्टकट की है वो है दोस्तों आल्ट प्लस आई प्लस ए प्लस एस। दोस्तों इसका यूज होता है जब आप फोटोशॉप में किसी फोटो को फिनिश करते हैं
तब हमें दोस्तों फ़ोटो को देखते हुए जो कलर है उसे बैलेंस में करना होता है दोस्तों, उसका कलर हमें घटाना होता है, बढ़ाना होता है। तो ऐसे में आप कीबोर्ड का Alt I A S कीबोर्ड का एक साथ दबाएंगे तो दोस्तों सेलेक्टिव कलर का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करना है और फोटो को देखते हुए अपने कलर को मेंटेन करना है, घटाना या बढ़ाना है। तो ये दोस्तों जब आप फिनिशिंग करेंगे किसी फोटो का तब आपको यूज में लेना है। दोस्तों जो 13वां शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बी। दोस्तों ये ऑप्शन है कलर बैलेंस का। जब आप किसी भी फ़ोटो को फिनिश करते हैं तो उसका कलर आपको मेंटेन करना होता है, तो आप कीबोर्ड का कंट्रोल भी दबाएंगे जैसे ही एक साथ दोस्तों आपके सामने कलर बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको फ़ोटो को देखते हुए आपको कलर को मेंटेन करना है। दोस्तों जो 14 नंबर शॉर्टकट की है वो है दोस्तों Alt प्लस I प्लस A प्लस C। दोस्तों जब आप कीबोर्ड का Alt प्लस I प्लस A प्लस C बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। ये है दोस्तों ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का। अगर आप कोई भी फोटो फिनिश कर रहे हैं तो उसका आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं या फिर दोस्तों कंट्रास्ट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कीबोर्ड का Alt प्लस I प्लस A प्लस C बटन दबाएंगे तो आपके सामने बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप फोटो को देखते हुए फोटो का ब्राइटनेस और दोस्तों कंट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों जो 15वां शॉर्टकट की है वो है दोस्तों Shift प्लस F6। दोस्तों ये है शॉर्टकट की फेदर का। जब आप किसी फोटो को कट करते हैं, कोई भी फोटो है उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोटो के किनारे कट करना होता, चाहे आप लोसो टूल से या पेन टूल से करें। तो दोस्तों अगर आप पूरी की पूरी फ़ोटो कट करते हैं इसके बाद मूव कर देते हैं डायरेक्ट ही किसी बैकग्राउंड पर तो दोस्तों आप देखेंगे कि उस फोटो के किनारे किनारे कहीं पर जो बैकग्राउंड है वो आ जाता है। और ऐसे में अगर आप डायरेक्ट उसे उठा के किसी दूसरे बैकग्राउंड पर रखते हैं तो कोई भी बंदा देख के आपको बता सकता है कि ये जो फ़ोटो है वो इसका बैकग्राउंड चेंज किया गया है और ये सही देखने में नहीं लग रहा है, इसके किनारे किनारे पर हल्के बैकग्राउंड हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप उस फोटो पर अगर आप फेदर दे देते हो लगभग 2 पिक्सल का तो ऐसे में वो बैकग्राउंड रिमूव कर देता है और अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेता है। तो दोस्तों आप जब भी फेदर देना है किसी भी फोटो में तो आप कीबोर्ड का Shift प्लस F6 बटन दबाएंगे तो आप फेदर का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ फेदर देकर ओके कर सकते हैं। दोस्तों जो 16वां शॉर्टकट की है वो है दोस्तों ब्लैक एंड वाइट को लेकर। दोस्तों अगर आप किसी फोटो को बना रहे हैं उस फोटो को ब्लैक एंड वाइट करना है तो दोस्तों आप कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस Shift प्लस U बटन दबाएंगे तो वो फोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप एक और शॉर्टकट की है ब्लैक एंड वाइट का तो आप यूज कर सकते हैं साथ में कंट्रोल प्लस Alt प्लस Shift और प्लस U बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड का ये बटन दबाएंगे आपका जो फोटो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अगर दोस्तों जो 17वां शॉर्टकट की है वो है दोस्तों जूम करने का। दोस्तों जब हम फोटोशॉप में कोई भी फोटो बनाते हैं तो हमें फ़ोटो को बारीकी से देखना होता है कि कहीं पर बैकग्राउंड छूट ना जाए। अगर फ़ोटो को हम क्रॉप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो दोस्तों हमें काफ़ी बारीकी से देखना होता है, ऐसे में हमें फ़ोटो को जूम करना होता है। तो दोस्तों जब आप किसी भी फ़ोटो को जूम करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस प्लस वाला बटन दबा दीजिए। जब आप कीबोर्ड का कंट्रोल और साथ में प्लस वाला बटन दबाएंगे तो वो फ़ोटो जूम हो जाएगी। तो आप जितनी बार प्लस और कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन दबाते रहेंगे वो फ़ोटो वह उतनी जूम होती चली जाएगी। तो दोस्तों आप किसी भी फ़ोटो को जूम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों जो 18वां शॉर्टकट की है वो है जूम आउट का। दोस्तों जब हम किसी फ़ोटो को जूम कर लेते हैं तो हमें उसे जूम आउट भी करना होता है, तो ऐसे में आप जूम आउट करने के लिए शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। आप कीबोर्ड का
कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन दबाएंगे तो वो जो फोटो जूम हुई होगी वो जूम आउट हो जाएगी। तो ऐसे में आप कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन दबाते जाएंगे वो फोटो जूम आउट होती चली जाएगी। दोस्तों जो 19वां शॉर्टकट की है वो है दोस्तों ब्रश टूल को बड़ा करने के लिए। दोस्तों जब हम फोटोशॉप में कोई भी फ़ोटो फिनिश करते हैं तो हम जब ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं कोई भी ब्रश, तो उसे हमें बड़ा करना होता है अगर छोटा है, फ़ोटो के हिसाब से हमें बड़ा या छोटा करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको का जो ब्रश है वो छोटा है उसे आपको बड़ा करना है तो आप कीबोर्ड का दोस्तों बड़ा ब्रेकर जो क्लोज वाला है आप वो बटन एक साथ दबाएंगे तो आपका जो ब्रश छोटा है वो बड़ा होता चला जाएगा। जैसे ही आप कीबोर्ड का बड़ा ब्रेकर क्लोज वाला दबाते जाएंगे जितनी बार वो ब्रश आपका बड़ा होता चला जाएगा। दोस्तों जो 20वां शॉर्टकट की है वो है दोस्तों ब्रश को छोटा करने के लिए। जब हम दोस्तों फोटोशॉप में कोई भी फ़ोटो फिनिश करते हैं उसका जो ब्रश है वो बड़ा होता है तो हमें उससे फोटोशॉप में फ़ोटो के अकॉर्डिंग ब्रश को छोटा करना होता है। तो दोस्तों ब्रश को छोटा करने के लिए कीबोर्ड का आप तो बड़ा ब्रैकेट ओपन वाला बटन दबाएंगे कीबोर्ड का एक साथ, तो दोस्तों वो आपका जो ब्रश है बड़ा है वो छोटा होता चला जाएगा जितनी बार आप बड़ा ब्रैकेट ओपन वाला बटन दबाएंगे। तो दोस्तों ये थे 20 ऐसे शॉर्टकट की जो आपको हमेशा यूज करना होता है फोटोशॉप में जब भी आप कोई भी फोटो बनाते हैं। दोस्तों अगर आप ये 20 शॉर्टकट की याद कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप कोई भी फ़ोटो बनाएंगे तो उसे जल्दी बना देंगे, कम समय में बना पाएंगे। और कोई भी फोटोशॉप में फ़ोटो बनाना है तो लगभग इन्हीं शॉर्टकट की वजह से आप सारे के सारे फ़ोटो को बना सकते हैं। दोस्तों बस अगर आपको शॉर्टकट की मालूम है तो आपका समय बचता है। और भी इम्पॉर्टेंट टूल हैं जिनके शॉर्टकट की आपको हमेशा याद रखने हैं तो हम कोशिश करेंगे उसे दूसरे वीडियो में कवर करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर दोस्तों और भी आपको फोटोशॉप से संबंधित वीडियो चाहिए शॉर्टकट की या फिर कोई भी फ़ोटो बनाने के लिए क्या कैसे बनाया जाता है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।